बॉलीवुड के चहेते कलाकार एंड हॉलीवुड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले चुनिंदा आर्टिस्ट में से एक इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। इरफान वॉज 53। कुछ दिन पहले इरफान को कोलन इन्फेक्शन के चलते मुंबई के कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। साल 2018 में इरफान ने अनाउंस किया था कि उन्हें न्यूरो एंडोक्रिन नामक रेयर ट्यूमर से डायग्नोज किया गया है। उसी साल इरफान अपने ट्रीटमेंट के लिए लंदन चले गए और उन्होंने फिल्मों से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लिया। लंदन में कुछ टाइम रहने के बाद इरफान ने फिर से फिल्मों में वापसी की अपनी 2017 में आई फिल्म हिंदी मीडियम की सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ। इस फिल्म को डायरेक्टर होमी अज्जानिया ने बनाया और ये फिल्म इस साल मार्च के महीने में थिएटर्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई। अपने ट्रीटमेंट के चलते इरफान इस फिल्म के प्रमोशन का पार्ट तो नहीं बन पाए, लेकिन अपने फैंस के लिए, चाहने वालों के लिए उन्होंने एक मैसेज जरूर रिकॉर्ड किया था। अनफॉर्चुनेटली ये मैसेज इरफान का अपने फैंस के लिए आखिरी पैगाम था। क्या था ये मैसेज, आइए सुनते हैं। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार, मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है, देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, When life gives you lemon, you make lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film and yes, wait for me।